नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 8,517 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 151 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही 24 घंटे में 4,548 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस 62,911 हो गए, जबकि अब तक कुल 2,20,351 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल 3,293 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो गई, जबकि 1,49,489 लोगों ने कोरोना को मात दी है और वो डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि अभी 35,443 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। तो कहां कितने केस हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी में 9 और बागेश्वर में 4 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। 8,500 से ज्यादा कोरोना के केस। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए देहरादून से। सीधे रुख करते हैं विनोद का। विनोद, पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है 8,500 से ज्यादा केस आए कोरोना के और 151 लोगों की मौत हो गई, कितनी चिंता की बात है ये? कौशल, देखिए अब उत्तराखंड में भी लगातार जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वो जाहिर है एक चिंताजनक विषय जरूर है सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने और यहाँ के लोगों के सामने। अब लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं और कल यानी 24 घंटे में ही कौशल हमने देखा है कि करीब 8,500 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं और 151 लोगों की मौत हुई है। प्रतिदिन ये आंकड़े, चाहे कोई भी कोविड का आंकड़ा हो चाहे मौत का आंकड़ा हो, प्रतिदिन आंकड़ों में बड़ा इजाफा होता जा रहा है और चिंता भी जरूर बढ़ रही है। एक तरफ जहां लगातार ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, अस्पतालों में बेड की दिक्कतें हो, वो लोगों को सामने उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब लगातार कोविड के मामले जरूर चिंता बढ़ा रही है। आखिरकार किस तरह से कोविड पर कंट्रोल हो, एक बड़ा सवाल है आखिरकार। और लोगों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश तो दिए हैं और यही वजह कि अब 12 बजे तक जो मुख्य बाजार हैं, जो जहाँ जहाँ पर भी कोविड कर्फ्यू राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है, वहाँ पर सख्ती बरतने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से लोगों का घूमना भी जारी है। यही वजह कि लगातार अब एक बड़े आंकड़ों में तब्दील होते आंकड़े, अब कोविड के आंकड़े हों या फिर मौत के आंकड़े, वो तब्दील होते जा रहे हैं। अब चिंता इस बात की आखिरकार बढ़ते इस संक्रमण पर किस तरीके की रोक लगेगी। और एक तरफ राजधानी के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में ऑक्सीजन की दिक्कतें हो, उसकी किल्लत यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू की जो मियाद है उसे बढ़ा दिया गया, उसका असर होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जबकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जो कोरोना कर्फ्यू उसको 10 मई तक किया गया? कौशल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और लगातार राज्य सरकार के मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अपने मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श उन्होंने किया था और उसमें सबसे राय अधिकांश मंत्रियों की ये थी कि कंप्लीट लॉकडाउन उत्तराखंड में हो जाए, क्योंकि बढ़ते कोरोना के इस आंकड़ों पर अगर कोई इस दूसरे लहर की चेन तोड़ सकता है तो कंप्लीट लॉकडाउन एक ऐसा विकल्प है कि कहीं ना कहीं थोड़ा जरूर राहत उत्तराखंड को मिलेगी। लेकिन अब तमाम गंभीर सवाल है जिनका जवाब तलाशना होगा कि आखिर कैसे उत्तराखंड में कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। आप विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और इस वक्त टिहरी का रुख कर लेते हैं जहां पर कोरोना का कहर जारी है। यहां कोविड केयर अस्पताल नरेंद्र नगर में पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हो गई। 28 अप्रैल 2021 से अब तक यहां 120 मरीजों की मौत होने की बात सामने आ रही है। साथ ही ज्यादातर मौतों की वजह है वो ऑक्सीजन की कमी से होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि टिहरी में 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में आज 12 बजे तक जरूरी चीजों जैसे फल, सब्जी, राशन और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि 8 मई को पूरी तरह से सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप, रसोई गैस और मेडिकल स्टोर की दुकानें जो हैं उनको खुला रखा जाएगा। बागेश्वर जिले में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनका कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिले में कोरोना की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी जिलों में एक दिन में कोरोना से इतनी मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
और बात कर लेते हैं कुंभ नगरी हरिद्वार की, जहां 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मरीज सामने आए। 9 मरीजों की कोरोना से हरिद्वार में मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मरीज हरिद्वार में सामने आए। 9 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 400 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और जिले में 3500 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव केस हैं कोरोना के। वहीं 24 घंटे में 16000 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं। तो हरिद्वार से यह परेशान करने वाली खबर, पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए, 1045 नए मरीज सामने आए और इसके बाद 9 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। हरिद्वार की अगर बात करें, यहीं 400 से ज्यादा डिस्चार्ज भी हुए हैं। और वो कर लेते हैं एक बड़ी खबर का, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तराखंड से रिलीव हुए हैं यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। उत्तराखंड से रिलीव हुए हैं यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। यूपी के डीजी हेल्थ डॉक्टर डीएस नेगी ने इसकी जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने उत्तराखंड के अधिकारियों से बात की थी। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब यह खबर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे, उनको रिलीव कर दिया गया है। इन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुंभ मेले में ड्यूटी के लिए लगाया गया था और अब इनको रिलीव कर दिया गया है। 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे जिनको रिलीव कर दिया गया है। विनोद और शैलेश, विनोद देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं विनोद का। विनोद, आखिर शुरुआती दौर में क्या दिक्कत आ रही थी जो उत्तर प्रदेश से 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे, उनको वापस भेजने की प्रक्रिया क्यों इतनी धीमी हो गई थी कि खत लिखना पड़ गया उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ को? जी कौशल, देखिए 294 डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट उत्तराखंड में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो ड्यूटी के दौरान हरिद्वार कुंभ में उनकी तैनाती की गई थी और जैसे ही जैसे कोविड काल एक तरफ से उसका बड़ा संक्रमण और रूप उसने धारण किया, तो ऐसे में डॉक्टरों की किल्लत भी उत्तराखंड में यहाँ देखी जा रही थी, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इन डॉक्टरों की तैनाती भी इस कोविड काल में इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। लेकिन अब हर तरफ डॉक्टरों की किल्लत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ ने उत्तराखंड के डीजी हेल्थ से बात की थी कि ताकि इनको कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश इनको भेजा जाए, लेकिन अब उत्तराखंड से इन डॉक्टर्स की इनको अवमुक्त कर दिया है, इनको रिलीव कर दिया है और जल्द ही अपने उत्तर प्रदेश अलग अलग स्थानों के से अपने जनपदों में जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है और लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये बात की जा रही थी कि ताकि जल्द से जल्द इन डॉक्टर का, नर्सेस है जो फार्मासिस्ट है, इनकी जल्द से जल्द अवमुक्त कर इनको वापसी भेज दिया जाए, क्योंकि लगातार इतने उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो हर तरफ डॉक्टरों की किल्लत भी यहाँ पर कौशल देखी जा रही है, जिसके चलते इन डॉक्टरों की, फार्मासिस्ट की और नर्सेस की तैनाती रोक दी गई थी और ऐसे में इनको अवमुक्त करने के लिए विलंब जरूर हो रहा था, क्योंकि कोविड काल के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इनकी तैनाती। शैलेश, यूपी के डीजी हेल्थ ने उत्तराखंड के डीजी हेल्थ को खत लिखा था और ये सभी 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट को रिलीव करने की उन्होंने उसमें बात कही थी। अब ये डॉक्टर और नर्स और फार्मासिस्ट रिलीव हो गए, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आएंगे, क्या ये क्वारंटीन किए जाएंगे या फिर कोरोना के चलते जो हालात बने हैं ये स्वास्थ्यकर्मी उन सेवाओं में लगा दिए जाएंगे? देखिए निश्चित रूप से जब ये सब डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ पर पहले उनकी देखिए कोविड टेस्ट भी होगा। अगर वहाँ से मान लीजिए किसी ने आरटीपीसीआर कराया, उसकी रिपोर्ट उनके पास है तो उसको दिखाएंगे, अन्यथा यहाँ पर सबकी पहले टेस्टिंग होगी। कोविड टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। दूसरी चीज़ संभव है कि सबको कुछ दिन के लिए पहले क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, कौन किस स्थिति में है, क्या किसी के अंदर संक्रमण तो नहीं है। अगर डायरेक्ट ड्यूटी पर लगाते हैं तो ये भी एक डर रहेगा कि दूसरों को न संक्रमित कर दे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनको पहले क्वारंटीन भी किया जा सकता है, लेकिन कोविड टेस्ट जो है वो मानकर चलिए सभी का यहाँ पर कराया जाएगा। 2 मई से देखिए इसके लिए कोशिश शुरू हुई थी। 2 मई को डीजी हेल्थ जो है यूपी के डॉक्टर डीएस ने की, उन्होंने पत्र लिखा था उत्तराखंड के डीजी हेल्थ को कि इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रिलीव किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उन बेड पर काम करने के लिए जो मैन पावर है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट,
वो यहाँ पर नहीं है। और इसको लेकर देखिए, एक तरफ जहाँ भर्ती की जा रही है संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर, वहीं दूसरी ओर ये कोशिश थी कि वहाँ से डॉक्टर्स आए, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से इसको लेकर जैसा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिस्पॉन्ड नहीं मिला उस तरह का, जिसके बाद कल जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने उत्तराखंड सरकार में सचिव स्तर के एक अधिकारी से वार्ता की, जिसके बाद ये कहा कि इन सभी को तत्काल यहाँ से रिलीफ किया जाए। और अभी अभी देखिए डॉक्टर डीएस नेगी जो उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वहाँ से रिलीफ किया गया है, जल्द ये लोग उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। देखिए अगर यहाँ उन्हें क्वारंटीन किया जाता है तब भी कम से कम ये होगा, ये पता होगा स्वास्थ्य विभाग को कि हाँ इतने दिन के बाद यहाँ पर इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, तो एक बड़ी राहत मिलेगी। जो राहत की बात है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए एक राहत की बात है, और कहीं ना कहीं एबीपी गंगा की खबर का असर भी है। शैलेश बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में पुलिस और एसडीआरएफ के पास 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर आम लोगों को भी दिया जाएगा। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी उन्होंने कहा कि काफी गंभीरता बरती जा रही है। हमने एक हफ्ता पहले ही ये अपना मुहिम चलाई थी, पहले से था हमारा कि अपनी पुलिस लाइनों में, छोटी पुलिस लाइनों में 2 बड़ी में 5 सिलेंडर बना के रखे जाएं, जिससे पुलिस परिवार जो लाइनों में रहते हैं उनकी कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल में बेड ना मिले तो उनको एटलीस्ट ऑक्सीजन दिलाई जा सके। साथ ही साथ एसडीआरएफ में भी हमारे पास और हैं पहले से, क्योंकि एसडीआरएफ का तो काम ही आपदा से निपटना, तो इसलिए इतना हमारे पास है, पूरे विभाग के पास 50-60 सिलेंडर पूरे स्टेट में हैं, बटालियन में, पुलिस लाइनों में। अगर कोई इमरजेंसी पब्लिक की होती है तो वो हमें बताएं या एसएसपी को बताएं, तो ज़रूर उनकी भी हम मदद करें। हमारे सभी को निर्देश एकदम स्पष्ट हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना है। किसी भी तरह से दवाओं की, ऑक्सीजन की, किसी भी चीज़ की कालाबाजारी रोकनी है, ओवर प्राइसिंग रोकनी है, जो आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है वो रोकना है, तो इवन जो फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह करा रहे हैं उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, और साथ ही साथ जहां तक संभव हो उतनी मानवीयता की दृष्टि से आम जन की पीड़ितों की मदद करो। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दून अस्पताल की नई ओपीडी पहुंचे, यहां उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मुख्यमंत्री ने नई ओपीडी भवन में कोरोना वायरस से बचाव करने वाली वैक्सीन की पहली डोज ली। दरअसल राज्य में वैक्सीन की दूसरी डोज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। हालांकि जिन लोगों ने अब तक एक भी डोज नहीं लगवाई है उन्हें भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में कुछ दिन पहले ही 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए 3,20,000 वैक्सीन की डोज पहुंची थी। इसी तरह राज्य में फिलहाल 45 की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा स्टोर की गई। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने भी कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है। दून अस्पताल जाकर कोविड वैक्सीन का टीका उन्होंने लगवाया है। राज्य में अभी 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है, हालांकि 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे ये बात कही जा रही थी क्योंकि वैक्सीन नहीं पहुंची उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरक सिंह रावत का कहना है कि कोविड की वजह से अगर किसी की भी मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मुफ्त मिलेंगी। वन विकास निगम की तरफ से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। पिछले दिनों से लकड़ियों की डिमांड पूरी करने में काफी दिक्कत आ रही थी। इस बीच वन मंत्री का बयान सामने आया है कि कोविड से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सीएम राहत कोष से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोरोना काल में एक और बड़ी मदद की है। अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक उत्तराखंड के लिए भेजा है। यह ट्रक गुजरात से मंगवाया गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी आवश्यकता बताई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिलिंग करके ज्यादा से ज्यादा रोगियों की सेवा की जा सकती है। बलूनी ने कहा कि उन्होंने निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था की है। ये ट्रक गुजरात के कच्छ से रवाना हुआ,
जो देहरादून पहुंच जाएगा। इसी कड़ी में विदेश से कुछ मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने बताया कि सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कंसंट्रेटर भी जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चिकित्सक ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बड़ा बयान दिया है। एनएस बिस्ट का दावा है कि कोरोना की ये तीसरी लहर दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी। सरकार को बुजुर्गों को नहीं पहले युवाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए थी। एनएस बिस्ट ने वैक्सीन की मियाद पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आने से पहले बुजुर्गों को एक बूस्टर डोज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना की थ्योरी समझने में कहीं गलती तो नहीं कर दी। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। टिहरी के घनसाली में बादल फटा। बताया जा रहा है कि पिपोल गांव से ऊपर बादल फटा, जिससे पिपोल गांव में मलबा आ गया। ये तस्वीरें आप देखिए टिहरी की। साथ ही टिहरी के घनसाली के मुख्य बाजार के पास मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर पानी का सैलाब बहने लगा। हालात ऐसे हो गए कि बाजार की सड़कें छोटी नदी में तब्दील हो गई। तो पुरानी घनसाली तहसील के पास नगर पंचायत घनसाली का कूड़ा वाहन भी बादल फटने से जो मलबा आया उसमें दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिहरी की। सड़क पर सैलाब और कूड़ा वाहन मलबे में दब गया। टिहरी में एक तो कोरोना का कहर है और उसके अलावा ये कुदरत का कहर भी कल देर रात देखने को मिला। जब बादल फटा, एक कूड़ा वाहन मलबे में दब गया, तो दूसरी तरफ जो बारिश हुई, जमकर बहुत भयानक बारिश हुई, और इस भीषण बारिश के बाद सड़क पर मानो छोटी नदी बहने लगी हो। कई लोग इसमें फंस गए, गाड़ियां रुक गई। दो तस्वीरें टिहरी की। बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है, इसी को लेकर एक एमओयू साइन हुआ। यह समझौता केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बीच हुआ। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जाना है। इसे लेकर करीब 100 करोड़ के कामों का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। सीएम का कहना है कि आने वाले 100 सालों की जरूरत को देखते हुए कुल 85 हेक्टेयर जमीन पर चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। सीएम ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। व्यास गुफा, गणेश गुफा और चरण पादुका का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। अलकनंदा नदी के तटबंध कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज लाइट, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, शौचालय और पुल जैसे जरूरी काम पूरे होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के सामने बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है। और बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर में बिजली व्यवस्था ठीक होने से मंदिर जगमग हो गया। आपको बता दें कि 18 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में लगातार व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसके चलते बद्रीनाथ धाम में बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के परिसर की, जहां पर बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। 18 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं और उससे पहले जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायदे हैं वो जारी हैं। तो पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।